पुलिस आए हैं, फोटो वगैरह भी खींच रहे हैं। भाई आजकल वीडियो बनाना एक तरह से मेरे को महंगा पड़ रहा है, आप बोल सकते हो, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में मतलब दिन रात बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर उसको एडिट कर रहा हूँ। बाकी अपना जो काम था वो मैं मतलब छूट रहे मेरे से। अपना काम बोले तो हो, जो पहले मतलब काफी टाइम हो गया मैं रेगुलरली वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो उसके बदले में क्या कर रहा हूँ ना, मोबाइल चला रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, चीजों के बारे में चेक कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें अब मेरे से मतलब धीरे धीरे छूट रहे। और ऐसा नहीं कि हो इम्पोर्टेंट है, देखो रील देखने से अच्छा है मैं दो चार वीडियो बना लू, उससे मेरा फायदा है, तो इस वजह से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। बाकी जो मेरा मेन मोटो है मतलब वीडियो बनाने का, वो है कंसिस्टेंसी मेरे को मेंटेन करना है। इस वजह से स्पेलिंग शायद थोड़ा सा गलत हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूँ भाई, इस वजह से ज़्यादा कुछ बोल मत देना कमेंट में। बाकी आजकल कमेंट ज़्यादा भी नहीं आ रहे, व्यूज़ भी कम हो रहे, क्योंकि मैं रेगुलरली डालता हूँ। पहले क्या करता था ना, कोर्स के ऊपर वीडियो करता था और उसमें टैग लगा के छोड़ देता था, तो रिलेटेड होते, इस वजह से ज़्यादा से ज्यादा व्यू आ जाते थे। लेकिन आजकल तो कोर्स के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरा लास्ट वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोला है कोर्स के बारे में। बाकी कोई नहीं, रेगुलर वीडियो बनाना था, बस बना रहा हूँ, इसमें खुश हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यूट्यूब में उसका एल्गोरिथम बहुत ही मतलब बड़ी चीज होता है, और उसको मैं मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, तो इस वजह से मुझे पता है अभी स्टार्टिंग में बहुत कम व्यूज आएंगे। अगर मैं मानू तो मेरा लास्ट वीडियो में कुछ 40-50 व्यू ऐसे भी आए हैं। बाकी शोर शराबा थोड़ा सा आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने खिड़की खोल रखा है ताकि थोड़ा सा रूम वेंटिलेट होता रहे, अगर हमेशा बंद करके रखूंगा तो ये थोड़ा सा अलग माहौल बन जाता है। बाकी आज है सैटरडे और मेरा लास्ट वीडियो मैंने आज ही कंप्लीट किया था, बाकी फिर से मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ और एडिटिंग भी अभी अभी कंप्लीट हो गया। भाई दिन के कुछ 1 बज चुके हैं और अभी अभी मैं फ्रेश अप हुआ हूँ, सुबह 10 बजे तो उठ गया था, लेकिन उसके बाद मेरा जो पहला काम था वो था वीडियो बनाना, उसके बाद एडिट करना, उसके बाद जाके सब कुछ करना। मैंने मतलब सोने से पहले ही मैंने ये डिसाइड करके रखा था यार आज वीडियो एडिट नहीं कर रहे हैं, सुबह उठ के ही वीडियो एडिट पहले करेंगे, फिर जाके जो होगा देखा जाएगा। भाई मेरे को थोड़ा वाईफाई की जरूरत पड़ रहा है, तो मेरे को वाईफाई लगाना पड़ेगा, और वाईफाई ऑलरेडी मतलब राउटर वगैरह खरीद के रखा है अंकित के पास, मेरे पास नहीं, तो उसको हम लगा सकते हैं, वरना मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन है जो कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो ये है कि ऊपर जो रूममेट मेरे रहते हैं उनके पास ऑलरेडी वाईफाई है, तो वो वाला वाईफाई मैं अपने रूम में लगा सकता हूँ, क्योंकि वो लोग अभी है नहीं ऊपर और यूज भी नहीं कर रहे, तो मैं पेमेंट करके उसको यूज कर सकता हूँ, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अंकित के पास जो राउटर है उसके लिए अभी केबल कनेक्शन चाहिए, और केबल कनेक्शन के लिए अभी उनको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वो पैसा मांगेंगे, बहुत कुछ होगा, टाइम लगेगा, इस वजह से जल्दी का काम ऊपर होगा तो मैं एक बार अपने फ्रेंड से बात कर लेता हूँ, फिर हो सकता है तो ऊपर जाके वो हम लगाएंगे। और गाइज मेरे को पता चला कि ये जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ उसमें दिक्कतें आ रही है, कुछ ऑडियो है, अगर मैं आपको सुनाऊँ तो कुछ बैड नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, मैं सुना नहीं सकता, लैपटॉप का स्पीकर भी खराब है भाई, क्या ही बोल सकता हूँ। यहाँ पे ये जो लास्ट वीडियो है यहाँ पे एक ऑडियो है जो कि खराब हो गया है, इधर माइक रिप्लेस करना पड़ेगा या केबल का प्रॉब्लम है लगता है, तो केबल का ही प्रॉब्लम। फिलहाल ये वीडियो रेंडर हो चुका है, तो इसको डायरेक्टली अपलोड कर देता हूँ। बाकी ये हो मेरा पुराना वाला रूम है जहाँ पे मैं पहले रहता था, और यहाँ से मेरे को वाईफाई चाहिए। मेरे को याद है समर के टाइम पे मैं वीडियो बनाता था और ऐसे पूरा येलो येलो आते थे सब कुछ, हो दिन आज याद आ गए। चलो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स रह रहे हैं, और ये रहा वाईफाई, ये मेरे को लेके जाना है नीचे, नीचे नहीं लेना है, पहले तो देखता हूँ अगर हॉल में हो सकता है तो हॉल में रखूँगा, अगर हॉल में नहीं होगा देन मेरे को नीचे लेके जाना पड़ेगा। हॉल में चाहिए तो किसने लगाए। भैया आज मैंने वाईफाई इधर शिफ्ट कर दिया, बस देखता हूँ कि ये काम कर रही है नहीं, पहले तो रिचार्ज भी करना पड़ेगा, और वाईफाई तो सही से चल रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट भी ब्लिंक्स कर रहे हैं, तो रिचार्ज करने के बाद पता चलेगा ठीक से नेटवर्क मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये डोर ये खिड़की पूरा क्लोज रहेगा, सिर्फ ये स्कैलेट है तो पता नहीं क्या होगा। भैया समर का ये तरबूज हम खा रहे हैं, अंकित बना रहा है अभी, मतलब वो बोल रहा है कि पूरा शॉप में जैसा मिलता है वो वैसा पीस बना दिया इसने, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर ये काम इतने अच्छे से कर रहे हो तो चलो एक शॉप खोलते हैं यहाँ पे, समर पे भी सेल होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकेगुड़ा के पास ही खोलेंगे, मैं ज्यादा दूर नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलता है, चलते हैं, मैं ऑफिस में काम करूंगा, तुम सिर्फ हिसाब रात को दे देना मेरे को, चलो सही है खा लेते हैं। भाई गाइस यहाँ पे आज हमारे
क्या हो रहा है ऑमलेट और साथ में, अरे ये तो ऑमलेट नहीं, ये तो एक पोच है। पोच है। ओके, एक पोच है और ये बैंगन का भुजी भाजी जो भी बोलते हैं, एक खा लो। उधर से कम होता जाएगा तो मेरे को आदत है खाना बनाते बनाते मेरे को खाना। मैं सोच रहा हूँ आज बहुत कुछ करने का, एक तो सुबह सुबह वीडियो एडिट कर दिया और से ये ब्लॉग भी बना रहा हूँ और एक दूसरा वीडियो है दूसरे चैनल के लिए, उसको भी बना देता हूँ, उसको भी अपलोड कर देता हूँ। आज नहीं हो पाएगा शायद, कल के लिए हो जाएगा, बाकी देखते हैं शाम को। एक बार खाना देखो, ये दही पकौड़ा साथ में नींबू भी हम निचोड़ रहे हैं यहाँ पे और साथ में ये ऑमलेट और ये बैंगन, काफी जबरदस्त खाना है। आज तो मजा आ जाएगा भाई, इस गर्मी में ये अगर मिल जाए ना तो सुकून ही सुकून। एक असली चीज रहेगा सुखवा। अरे हो क्यों बोल रहे हो भाई, वो सारे चीजें क्यों घर की याद दिला रहे हो, ऐसे भी जा नहीं सकते इस गर्मी में, डबल गर्मी है वहाँ पे ना। नहीं, यहाँ पे मूवी भी हमारा चल रहा है और मूवी के साथ पूरा अच्छे से सैटरडे को एंजॉय करते हुए। जी सरनगर मछली मार्केट है, यहाँ पे पूरा मछली मिलता है, सब्जी वगैरह भी मिलते हैं। बाकी हम कुछ 12 बजे आए तो ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे तो इलेक्शन वजह से जोरदार चेकिंग हो रहा है, वो भी हमारे रूम के बाहर, मतलब पहली बार देख रहा हूँ कि हमारे रूम के बाहर भी चेकिंग हो रहा है। पुलिस आए हैं, फोटो वगैरह भी खींच रहे हैं, मीडिया भी है भाई, क्या हाल है भाई। ये दो बंदों को पकड़ के रखा है, सबको नहीं पकड़ने की पुलिस तक पड़ी थी। ओके, तो श्यामधर को हाथ देखा था ना, ताको पहचान करने की पुलिस तक स्कूटी नहीं पड़ी थी। तो दोनों परेशान हो गए भाई, क्या करें, हमारा स्कूटी लेके भाग गए पुलिस। A few moments later. So, इस रात के कुछ 11:30 बज चुके हैं और आज है संडे, तो दिन में ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं बनाया था और मैंने ये सोचा कि मतलब कंटिन्यूस तो करना है लेकिन एक दिन मेरे को छुट्टी चाहिए, क्योंकि अगर छुट्टी नहीं लूँगा तो घर का काम रह जाता है, कपड़े वगैरह साफ करना, खाना वाना हो सब, फिर संडे है तो थोड़ा सा अच्छे से हो भी हो जाता है और बहुत सारे मतलब मान लो कि घूमना फिरना हो सब भी संडे रखता हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो एक दिन का गैप लेते हैं, बाकी कंटिन्यूसली मंडे टू सैटरडे तक ब्लॉग अपलोड करेंगे सिर्फ संडे को छोड़ के, लेकिन संडे में वीडियो बनाएंगे लेकिन हो मंडे को अपलोड होगा। बाकी आज का दिन काफी अच्छा गया है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं, बस एक नॉर्मल डे, बाहर नहीं गए क्योंकि दिन में इतना गर्मी भाई, बाहर जाने का मन नहीं है और ऊपर से थोड़ा लेट भी उठा, 10-11 बजे से उठा और उसके बाद उठ के सोचा कि वीडियो वगैरह एडिट करूं लेकिन फिर मन नहीं किया, सेकंड चैनल के लिए एडिट करना था लेकिन अभी करके कल अपलोड कर देंगे, नहीं तो दिन में मन नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यूसली मैं 4-5 दिन से रैंडमली वीडियो एडिट कर रहा हूँ। उसके बाद आज का प्लान ऐसा था कि थोड़ा सा बाहर जाने का मन था लेकिन कहाँ भी जाओ इस गर्मी में, देखो अगर जाना भी है तो ऐसा मन करता है कि कोई लेक साइड या सी बीच साइड ऐसा जाने का, लेकिन यहाँ पे लेक है तो हुसैन सागर लेक के सी बीच साइड, सी बीच तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, तो इस वजह से हुसैन सागर लेक ही गया था, ज्यादा दूर नहीं गया। और उसके बाद आने के बाद फिर डीमार्ट थोड़ा घूमने के लिए गया था, थोड़ा सा मतलब शाम है तो मतलब दिन भर रूम में बैठे बैठे जा रहा है तो थोड़ा सा वहाँ पे घूम के भी टाइम पास कर लिया भाई। जब मैंने वीडियो मतलब कैमरा ऑन किया एक मिनट के लिए मैं पागल हो गया, ये राउंड सर्किल किया है, फिर बाद में पता चला कि ये मेरा कवर का दिक्कत है, मेरा कवर ठीक से लगा नहीं है, निकल गया है। बाकी हम आए थे डीमार्ट, सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस घूम रहे, कुछ सामान वगैरह देख रहे हैं, अगर ज़रूरत है मतलब काम का चीज़ होगा देन जाके लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। है तो ऐसे बहुत सारे सामान, हर कोई काम का चीज़ है बट नहीं चाहिए। यहाँ का एक फ़ायदा ये है कि सस्ते में थोड़ा चीज़ों मिल जाते हैं, तो हर एक चीज़ ज़रूरत की चीज़ है लेकिन हमें नहीं चाहिए। उसके बाद बाहर से थोड़ा टिफिन करके बस रूम वापस आ गया और आने के बाद फिर से अभी एडिट करना है। तो कहने का मतलब ये कि आज ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इस वजह से ये ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आज के लिए बस इतने, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय गाइस। और हाँ, जाने से पहले हमेशा की तरह जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक जल्दी से कर दो लाइक, मिलते हैं अगले वीडियो पे।